हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरानास किचन। आज मैं आप सभी के साथ चिकन कीमा मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चिकन कीमा मसाला बनाना। चिकन कीमा मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और 10 सेकंड पकाने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ 300 ग्राम चिकन डालेंगे और चिकन को हम बिल्कुल व्हाइट होने तक भूनेंगे। अब इसके अंदर 1 बड़ा साइज कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इस पॉइंट पे हम आंच को भी बिल्कुल कम कर लेंगे। अब इसके अंदर 1/2 कप कटा हुआ हरा प्याज डालेंगे और 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कम आंच पे पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आंच को तेज कर लेंगे और तेज आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे। और इसके ऊपर से 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके साथ ही आंच को भी हम बिल्कुल कम कर देंगे। और फिर से हम इसे कम आंच पर ढक के लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चिकन कीमा मसाला हमारा बन के तैयार है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। चिकन कीमा मसाला की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजरानास किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।